नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट आईटीआई में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दो दिन आपकी क्लास नहीं आ सकी थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए क्लास नहीं लगातार ला पाए थे। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं DRDO सेप्टन 11 की जो हम सीरीज चला रहे थे 2000 क्वेश्चन की, उसी का आज 27वां क्लास है। करते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट ओवर टेलीस्टॉक ऑफसेट विकार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ऑप्शन ए गुड सरफेस फिनिश, ऑप्शन बी टेपर लेंथी टेपर कैन बी प्रोड्यूसेड, ऑप्शन सी जॉब कैन बी हेल्ड बिटवीन सेंटर, या फिर ऑप्शन डी पावर फीड कैन बी गिवन फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेपर। इसमें आपको ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। पावर फीड कैन बी गिवन फॉर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। चलिए दो नंबर क्वेश्चन है, टेपर की लंबाई को टेपर मोड़ने की कौन सी विधि शीर्ष स्लाइड के संचलन तक सीमित है? ऑप्शन ए फॉर्म टर्निंग, ऑप्शन बी टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, ऑप्शन सी कंपाउंड अरेस्ट मेथड, या फिर ऑप्शन डी टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आउट होगा, कंपाउंड अरेस्ट मेथड। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन है, टेपर टर्निंग की कौन सी विधि संभव है जब काम केवल केंद्रों के बीच होल्ड हो? ऑप्शन ए फॉर्म टूल विधि, ऑप्शन सी केल स्टॉक विधि, ऑप्शन बी यौगिक आराम विधि, या फिर ऑप्शन डी टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, टेल स्टॉक विधि, ठीक है। चलिए चार नंबर क्वेश्चन है, 6 mm पिच वाले वर्गाकार धागे की गहराई कितनी है? ऑप्शन ए 2 mm, ऑप्शन बी 3 mm, ऑप्शन सी 4 mm, या फिर ऑप्शन डी 5 mm। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 3 mm, ठीक है। चलिए आते हैं पाँच नंबर क्वेश्चन पे, एक में थ्रेड कटिंग के लिए वर्कपीस का टर्न डायमीटर क्या होगा? ऑप्शन ए इक्वल टू मेजर डाया, मतलब कि बड़े डायमीटर के बराबर, ऑप्शन टू ऑप्शन बी इसको इक्वल टू माइनर डाया मतलब छोटे डायमीटर के बराबर, ऑप्शन सी 0.05 mm ओवर साइज ऑफ मेजर डाया, या फिर ऑप्शन डी 0.05 mm अंडर साइज ऑफ मेजर डाया, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 0.05 mm ओवर साइज ऑफ मेजर डाया। छः नंबर क्वेश्चन है, मिलिंग मशीन आर्बर इसमें किस मानक टेपर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जर्नो टेपर, ऑप्शन बी मोस टेपर, ऑप्शन सी मीट्रिक टेपर, या फिर ऑप्शन डी ब्राउन एंड शार्प टेपर। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ब्राउन एंड शार्प टेपर, ठीक है। क्या होगा? डी राइट आंसर होगा आपका, ब्राउन एंड शार्प टेपर। सात नंबर क्वेश्चन है, 5 mm पिच के लीड स्क्रू वाले खराद में 1.5 mm पिच को काटने के लिए आवश्यक गियर की गणना करें। ऑप्शन ए है ड्राइवर 30 ड्रीवन 50, ऑप्शन बी है ड्राइवर 30 ड्रिवन 100, ऑप्शन सी है ड्राइवर 100 ड्रिवन 30, या फिर ऑप्शन डी है ड्राइवर 100 ड्रिवन 60। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ड्राइवर 30 ड्रिवन 100। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन है, ऐसा क्यों माना जा रहा है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट डुप्लीकेट टेपर्स को टर्न करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए पावर फिट कैन बी गिवन, ऑप्शन बी लेंथी टेपर कैन बी प्रोड्यूसेड, ऑप्शन सी जॉब कैन बी हेल्ड इन बिटवीन सेंटर, या फिर ऑप्शन डी द चेंज इन लेंथ ऑफ द जॉब डज नॉट अफेक्ट टेपर। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, द चेंज इन लेंथ ऑफ द जॉब डज नॉट अफेक्ट टेपर, ठीक है। अगर आवाज़ आपको धीमी आ रही हो तो माफ़ी चाहते हैं, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसलिए धीमा बोल रहे हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है।
नौ नंबर क्वेश्चन है 2984 के अनुसार स्लिप गेज के कितने ग्रेड की सिफारिश की गई है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 2। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ 4। 10 नंबर क्वेश्चन है थ्रेड मापन में सर्वश्रेष्ठ तार क्या है। ऑप्शन ए रूट पर संपर्क करें, ऑप्शन बी क्रेस्ट पर संपर्क करें, ऑप्शन सी संपर्क के पिच लाइन पर है, ऑप्शन डी पिच लाइन की संपर्क करें ऊपर संपर्क करें। इसमें मतलब आपका आंसर सी राइट आंसर होगा, संपर्क पिच लाइन पर है। क्या होगा इसमें, संपर्क पिच लाइन पर है। 11 नंबर क्वेश्चन है पावर फीड के साथ आंतरिक टेपर को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस टेपर टर्निंग विधि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए फीड का संयोजन, ऑप्शन बी टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि, ऑप्शन सी टेपर टर्निंग अटैचमेंट या फिर ऑप्शन डी यौगिक आराम टुकड़ा विधि, मतलब कि कंपाउंड रेस्ट सेवलिंग मेथड। हिंदी इंग्लिश आप मतलब कि मिलाकर पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसका ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, टेपर टर्निंग अटैचमेंट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि में अक्ष के संदर्भ में टूल मूवमेंट की दिशा क्या है। ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी इंक्लाइंड एंड 45 डिग्री, ऑप्शन सी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री या फिर ऑप्शन डी परपेंडिकुलर। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है, पैरेलल मतलब ये आपका राइट आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है स्क्रू थ्रेड मापन में क्या माप लिया जाता है। ऑप्शन ए प्रमुख व्यास मेजर डायमीटर, ऑप्शन बी मामूली व्यास माइनर डायमीटर, ऑप्शन सी पिच व्यास या फिर ऑप्शन डी प्रभावी व्यास। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसमें आपका डी राइट आंसर होगा प्रभावी व्यास, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है मैट्रिक एक्ट में धागे का शामिल कोण क्या है। ऑप्शन ए 29 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 24 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 20 डिग्री। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 30 डिग्री। मैट्रिक एक्ट में जब पूछेगा आपको तो 30 डिग्री और अगर एक्ट में थर्ड पूछेगा तो 29 डिग्री, ठीक है। अगर सिर्फ एक्ट में पूछेगा तो 29 और मैट्रिक एक्ट में पूछेगा तो 30। 15 नंबर क्वेश्चन है 20 यूनिट की टेपर लंबाई के लिए टेपर अनुपात क्या है। व्यास में अंतर एक यूनिट है। ऑप्शन ए 1:15, ऑप्शन बी 1:20, ऑप्शन सी 2:15 या फिर ऑप्शन डी 3:15। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है 1:20, ठीक है, 1:20 का अनुपात रहेगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है टेपर के किस तत्व को मीट्रिक टेपर में संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है लेंथ, ऑप्शन बी बिग डायमीटर, ऑप्शन सी स्मॉल डायमीटर या फिर ऑप्शन डी एंगल ऑफ टेपर। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बिग डायमीटर, मतलब कि बड़ा डायमीटर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल रीमर और लेंथ सेंटर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मोस्ट टेपर की रेंज क्या है। ऑप्शन ए 0-4, ऑप्शन बी 0-5, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 1-5। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है 0-4, ठीक है, ये आपका इसमें राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के नर्लिंग टूल में एक रोलर दाहिने हाथ के पेचदार दांत वाले होते हैं, अन्य के बाएं हाथ के हेलिकल दांत होते हैं। ऑप्शन ए क्रॉस नर्लिंग, बी है कॉनकेव नर्लिंग, ऑप्शन सी स्ट्रेट नर्लिंग
या फिर ऑप्शन डी डायमंड नदी। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डायमंड नदी। ठीक है, डायमंड नदी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर वेवर प्रोटेक्टर का कौन सा भाग डिस्क से जुड़ा होता है? ऑप्शन है डिस्क, ऑप्शन बी ब्लेड, ऑप्शन सी स्टॉक, या फिर ऑप्शन डी वर्नियर स्केल। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वर्नियर स्केल। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, विच लेथ ऑपरेशन रिसेस द डायमीटर टू अ स्मॉल रेंज टू गेट अ प्रेस फिट ऑन असेंबलिंग। असेंबली पर प्रेस फिट करने के लिए कौन सा खराद ऑपरेशन व्यास को एक छोटी सी सीमा तक बढ़ाता है? ऑप्शन ए बोरिंग, ऑप्शन बी ग्रूविंग, ऑप्शन सी नर्लिंग, या फिर ऑप्शन डी चम्फरिंग। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नर्लिंग। 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्कपीस पर अवतल और उत्तल प्रोफाइल उत्पन्न करने के लिए किस लेथ ऑपरेशन का इरादा है? ऑप्शन ए है फेसिंग, ऑप्शन बी है चैम्फरिंग, ऑप्शन सी है फॉर्म टर्निंग, या फिर ऑप्शन डी है टेपर टर्निंग। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फॉर्म टर्निंग। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेथ ऑपरेशन जाप की पूरी लंबाई में एक ही व्यास का होगा? ऑप्शन ए फेसिंग, ऑप्शन बी चैम्फरिंग, ऑप्शन सी स्टेप टर्निंग, या फिर ऑप्शन डी प्लेन टर्निंग। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर प्लेन टर्निंग। प्लेन टर्निंग एक ही व्यास का होगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि संचालित शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाने की आवश्यकता है तो किस प्रकार प्रयोग उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए कपलिंग, ऑप्शन बी क्लच, ऑप्शन सी गियर, ऑप्शन डी बेल्ट। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्लच। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, हेरिंग बोन गियर्स दो गियर्स के समान होते हैं जिन्हें एक साथ रखा गया है। ऑप्शन ए स्पर, ऑप्शन बी बेवल, ऑप्शन सी हेलिकल, या फिर ऑप्शन डी फेस। 25 नंबर क्वेश्चन है, गियर के डेडेंडम का अर्थ है? ऑप्शन ए हाइट ऑफ गियर टूथ एबो पिच सर्कल, ऑप्शन बी है हाइट ऑफ गियर टूथ बिलो पिच सर्कल, ऑप्शन सी है क्लीयरेंस ऑफ गियर टूथ, या फिर ऑप्शन डी है टोटल गियर टूथ हाइट। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हाइट ऑफ गियर टूथ बिलो पिच सर्कल, बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, एक गियर के दो दांतों के बीच की दूरी को कहा जाता है? ऑप्शन ए एडिडम, ऑप्शन बी मॉड्यूल, ऑप्शन सी पिच, या फिर ऑप्शन डी लीड। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, उसको पिच। क्या होगा? पिच। गियर के दांतों के बीच को दूरी को पिच कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉ वॉल्व इंगित करता है? ऑप्शन ए 0.00001 मीटर, ऑप्शन बी है 0.00001 मीटर, ऑप्शन सी 0.00001 मीटर, ऑप्शन mm, ऑप्शन डी 0.0001 mm। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जिसमें 0.50 है। ठीक है, 50 जिसमें है वही आपका राइट आंसर होगा, ए नंबर 0.00001 मीटर। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कपलिंग का प्रकार है? ऑप्शन ए है यूनिवर्सल कपलिंग, ऑप्शन बी है हुक कपलिंग, ऑप्शन सी फ्रेंच कपलिंग, या फिर ऑप्शन डी आलाफ्टिस। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, आलाफ्टिस। स्प्लाइन के रूप है, 29 नंबर क्वेश्चन है, स्प्लाइन के रूप है? ऑप्शन ए स्ट्रेट एंड इन्वोल्यूट स्प्लाइन, ऑप्शन बी स्ट्रेट एंड एंगुलर स्प्लाइन, ऑप्शन सी इन्वोल्यूट एंड एंगुलर स्प्लाइन, या फिर ऑप्शन डी इन्वोल्यूट स्क्वायर स्प्लाइन।
इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है, सीधी और उल्टी पट्टी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, मूल श्रृंखला भी ए एस को पता है। ऑप्शन ए लीफ चेन, ऑप्शन बी इन्वर्टेड टूथ चेन, ऑप्शन सी ब्लॉक चेन, या फिर ऑप्शन डी रोलर चेन। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इन्वर्टेड टूथ चेन। शाफ्ट को 31 नंबर क्वेश्चन है, शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का उपयोग किया जाता है। जब शाफ्ट होते हैं टू बी ज्वाइंट परमानेंटली, ऑप्शन बी टू बी डिसकनेक्टेड ऑफ्टन, ऑप्शन सी इन मिसलमेंट, ऑप्शन डी टू बी डिसकनेक्टेड ऑफ्टन एंड टू कंपोनेंट्स आज स्लाइट मिसलमेंट बिटवीन टू। इसमें आप टू सॉफ्ट, इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, स्पाइरल गियर में गियर अनुपात एक संबंध एक है, एक अनुपात एक है और सॉफ्ट कोड 80 है। ऑप्शन है 30 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 90 डिग्री। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, एक फ्लैट बेल्ट ड्राइव की चरखी की रिम को थोड़ा सा कर दिया गया है। ऑप्शन है बेल्ट को चरखी चलाने से रोकना, ऑप्शन बी चरखी पर बेल्ट की जकड़न बढ़ाए, ऑप्शन सी टोक संरचना में वृद्धि, या फिर ऑप्शन डी चरखी के तनाव में सुधार होगा। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बेल्ट को चरखी चलाने से रोकना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चेन ड्राइव नीरव और एक समान गति प्रदान करती है। ऑप्शन ए कन्वेयर चेन, ऑप्शन बी ब्लॉक चेन, ऑप्शन सी रोलर चेन, या फिर ऑप्शन डी इन्वर्टेड टूथ चेन। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इन्वर्टेड टूथ चेन, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, एसिड प्रूफ वाटर प्रूफ और जानवरों के तेल या छार से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन ए रबर बेल्ट, ऑप्शन बी लेदर बेल्ट, ऑप्शन सी कॉटन बेल्ट, या फिर ऑप्शन डी बलाता बेल्ट। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बलाता बेल्ट, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्न है यांत्रिक शक्ति के संचरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चेन, ऑप्शन बी बेल्ट, ऑप्शन सी कपलिंग, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, जब स्थिति ऐसी होती है कि शक्ति को एक कोण पर प्रेषित करना होता है तो प्रयुक्त गियर है। ऑप्शन ए स्पर गियर, ऑप्शन बी हेलिकल गियर, ऑप्शन सी बेबल गियर, या फिर ऑप्शन डी है आपका हेरिंग बोन गियर। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बेबल गियर, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कपलिंग सॉफ्ट स्टार्ट देता है। ऑप्शन ए रिगिड कपलिंग, ऑप्शन बी फ्लूड कपलिंग, ऑप्शन सी स्पिनर कपलिंग, या फिर ऑप्शन डी मफ कपलिंग। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फ्लूड कपलिंग। क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, फ्लूड कपलिंग। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, युग्मन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए इन कनेक्ट टू इन लाइन सॉफ्ट, ऑप्शन बी इट कैन बी रिगिड आर फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी इट ड्राइव्स विद ड्राइविंग एंड ड्रिवन सॉफ्ट एट सेम स्पीड, ऑप्शन डी इट कैन इंगेज एंड डिसइंगेज ड्राइविंग एंड गिवन सॉफ्ट एज अ नॉर्मल ऑपरेशन। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, इट कैन इंगेज एंड डिसइंगेज ड्राइविंग एंड ड्रिवन सॉफ्ट एज अ नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, जिग को फिक्सचर से अधिक पसंद किया जाता है जिसमें ऑपरेशन मिलिंग ड्रिलिंग नर्लिंग टर्निंग। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करते समय ज़्यादा अधिक पसंद किया जाता है जिग का, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर ड्रिल जिग को ड्रिलिंग मशीन टेबल से नहीं जोड़ा जाता, निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण है। ऑप्शन ए
इट इज रिगिड नॉच फॉर दिस ऑपरेशन, ऑप्शन बी है। इट इज इजी फॉर ऑपरेशन, ऑप्शन सी है। नंबर ऑफ होल्स ऑफ वेरियस साइज आर नॉर्मली बींग ड्रिलिंग डिफरेंट सिटिंग, या फिर ऑप्शन डी, इट इज ए मोर टाइम कंज्यूमिंग डिवाइस ट्यूब। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इट इज ए रिगिड नॉच फॉर दिस ऑपरेशन। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज फॉर कनेक्टिंग द पुली विथ शाफ्ट। इसमें आपका ऑप्शन है वुडरफ की, ऑप्शन बी है जीब हेड की, ऑप्शन सी फ्लैट सरल की, या फिर ऑप्शन डी है टेपर की। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जीब हेड की। ठीक है, क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, जीब हेड की। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, सलाह देना जिसमें वर्कपीस को विशिष्ट ऑपरेशन के लिए इस तरह से रखा और स्थित किया जाता है कि यह मशीन के एक ही क्षेत्र में एक या अधिक कटिंग टूल का मार्गदर्शन करेगा। ऑप्शन ए जिग, ऑप्शन बी फिक्स्चर, ऑप्शन सी टेल स्टॉक, या फिर ऑप्शन डी ब्रैकेट। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जिग। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिग का उपयोग बोर से स्थान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सॉलिड जिग, ऑप्शन बी प्लेट जिग, ऑप्शन सी बॉक्स जिग, या फिर ऑप्शन डी पोस्ट जिग। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बॉक्स जिग। चलिए आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नो रिटर्न वाल्व के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी ब्रोंज, या फिर ऑप्शन डी लीड। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ब्रोंज। ठीक है, चलिए 1346 नंबर, मतलब 46 नंबर क्वेश्चन है, स्विंग चेक वाल्व का उपयोग जल आपूर्ति के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वाल्व, ऑप्शन बी स्मॉल होल, ऑप्शन सी फ्लैप, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फ्लैप। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, जीआई पाइप पर धागे को काटने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बाई सेंट्रल लेथ, ऑप्शन बी बाई टैप सेट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बाई थ्रेड रोलर, या फिर ऑप्शन डी बाई डाई एंड स्टॉक। ऑप्शन इसमें डी आपका राइट आंसर होगा, बाई डाई एंड स्टॉक। 48 नंबर क्वेश्चन है, गेट वाल्व जल प्रवाह की अनुमति देता है। ऑप्शन ए एट स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी एट राइट एंगल, ऑप्शन डी या ऑप्शन सी एट एनी एंगल, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा, एट स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सीधी लाइन। 49 नंबर क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग में अनुभव किया गया घर्षण। ऑप्शन ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी रोलर फ्रिक्शन, ऑप्शन सी स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर ऑप्शन डी ड्राइव फ्रिक्शन। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, बियरिंग के साथ पार्टिकल जनरल का संपर्क कोण है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 135 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 190 डिग्री। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 120 डिग्री। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, कल आपसे मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ, नए नए क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िए, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।